विधायक अरविंद गिरी की अंतिम पर दोनों तरफ खड़े लाखों लोगों ने हर लोकप्रिय विधायक अरविंद गिरी को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह भी अंत्येष्टि के समय मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी 139 गोला विधानसभा में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय अरविंद गिरी का कल सुबह लखनऊ जाते समय सीतापुर के आगे सिधौली के पास हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। जैसे ही यह खबर गोला पहुंची, लोग हतप्रभ से रह गए। पलक झपकते ही समूची विधानसभा क्षेत्र से लोग अरविंद गिरी के फार्म हाउस पर पहुंचने लगे। कल जैसे विधायक जी का पार्थिव शरीर गोला पहुंचा, लोगों का हुजूम विधायक जी के फार्म हाउस पर पहुंचने लगा। आज सुबह लगभग 11:30 बजे प्रदेश भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह जी हेलीकॉप्टर से पहुंचकर अंत्येष्टि में शामिल हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जनप्रिय विधायक अरविंद गिरी को समाधिस्थ कर विधि विधान के साथ अंत्येष्टि संपन्न की गई। कई भाजपा विधायक प्रशासनिक अधिकारी भी अंत्येष्टि में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत उनके परिवार को दें और सिद्धे अरविंद गिरी जी को अपने चरणों में स्थान दें। सिद्धे गिरी जी ने हमेशा एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लखीमपुर जनपद के लिए, प्रदेश के लिए काम किया। कल ही पता चला है कि वो गोला गोकर्णनाथ जी में जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है उसके कॉरिडोर को निर्माण करने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि हमेशा वो कार्य में लगे रहते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शांति दें और लखीमपुर जनपद में और आसपास जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, अनुयायी हैं, सबको इतनी ताकत दें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। और मैं पूरे परिवार को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमेशा सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। अरविंद जी भले ही हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनके जो बचाए हुए कार्य हैं, बताए हुए रास्ते हैं, उनको पूरा करने का काम उनके अनुयायी और हम सब मिलकर के करेंगे। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।